हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा दीवान। सो टुडेज स्टडी टॉपिक इज प्लांट्स। टुडे आई एम कवरिंग द ईवियस टॉपिक प्लांट्स। सो एज वी नो दैट लिविंग बींग्स ब्रीद एयर, हम एयर को ब्रीद करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, मूव ऑन देयर ओन, नीड फूड एंड वाटर, ग्रो बिगर एंड गिव बर्थ जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। प्लांट आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स अपने आगे प्रोसेस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट में रिप्रोडक्शन होती है। उनके भी बीज जब पेरेंट प्लांट होते हैं, जब बीज लगाए जाते हैं, बीजों से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं और उन्हीं से और प्लांट आगे चल के बड़े होकर बिगर प्लांट्स बन जाते हैं। और लिविंग बींग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स मोर ओवर किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, एज वी गेट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। डू यू रिमेम्बर हाउ, कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह या कुछ तरह से भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं? यस, ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। खाने के लिए एनिमल्स तो हैं ही हैं, बट जो प्लांट्स, जो हम ह्यूमंस हैं, वो भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं। प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट मेक देयर ओन फूड। प्लांट ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। बिफोर वी लर्न मोर अबाउट प्लांट इन दिस यूनिट, लेट अस रिवाइज व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो जड़ होती है उसको रूट बोला जाता है, जो स्टिक होती है प्लांट की उसे स्टेम बोला जाएगा, जो फूल होगा उसे फ्लावर बोला जाएगा, एंड जो फ्रूट होगा उसे फ्रूट ही बोला जाएगा। तो फ्रॉम द रूट से पानी यानी कि सॉइल से बेसिकली एक सीड से प्लांट बनता है, सैपलिंग होती है। तो जड़ों से पानी जब जाता है तो वो स्टेम के थ्रू लीव्स में और फ्रूट के थ्रू पूरे प्लांट में सर्कुलेट करता है। जैसे हमारा ब्लड है फॉर एग्जांपल, वैसे ही काम पानी करता है। एज वी कैन सी देयर इज अ प्लांट, ये जो रूट्स हैं यहाँ पे हम वाटर देंगे अगर, तो ये पूरा रूट्स में जाएगा, पूरा रूट्स में जाएगा और पूरी रूट से होकर स्टेम में जाएगा, देन फ्लावर, देन फ्रूट, और इसी से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करेगा। नाउ व्हाट, हाउ डू प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस, नाउ लेट्स लर्न अबाउट दैट। हाउ प्लांट मेक देयर फूड। नाउ अ बिगर क्वेश्चन इज दैट हाउ प्लांट मेक देयर फूड। We know that all human beings and animals depend on plants for food. सारे animals और human beings, including us, हम भी plants पर depend हैं। We also know that plants make food in their leaves. Plants जो हैं वो अपना खाना पत्तियों के through बनाते हैं। Let us understand how plants prepare their food and learn about things they need to do so. अब हम जानेंगे कि कैसे plant खाना बनाते हैं और उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। As you can see this diagram, this is visible. Okay. So first of all, this is a plant. There is a roots. ये roots हैं plant की. Flower, stem. Sorry. Shoot. It consists of a part. It consists of the part for of the plant that are above ground. Leaves are a part of the plant shoot. देखो plants को, एक plant को दो parts में divide किया गया, upper part and lower part. Upper part को shoot कहा जाता है, lower part को root कहा जाता है, यानी कि जड़ों को तो root ही बोलते हैं, तो उसको root नाम दे दिया गया। And the upper part of the plant is called, ये जो ऊपर वाला part है इसको shoot बोलेंगे, shoot. रूट हो गई जड़े, शूट हो गया ऊपर वाला पार्ट जिसमें कि फ्लावर, फ्रूट और स्टेम आएंगे उसको बोलेंगे शूट, और जिसमें कि सिर्फ जड़े आएंगी उसको बोलेंगे रूट।
और लीव्स जो हैं वो खाना बनाती हैं प्लांट्स के लिए, और द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जैसे हमारी नसें होती हैं वैसे ही पत्तों की भी वेन्स होती हैं जिन्हें की वेन्स कहा जाता है। एज यू कैन सी देयर इज अ लीव, ये इनकी वेन्स है। देयर इज अ स्टोमेटा इन दैट। नाउ वेन्स, अ लीव हैव अ मेन वेन अलोंग विद मैनी साइड वेन, दीज आर लाइक स्मॉल पाइप्स, छोटी छोटी पाइप्स की तरह होती हैं। एक लंबी डंडी होती है आपने देखा होगा, और छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं उसको, जो मेन डंडी होती है उसको मेन वेन कहा जाएगा, जो साइड वाली होंगी उनको साइड वेन बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। हरे कलर का जो सब्सटेंस पाया जाता है पत्ती में उसको क्लोरोफिल बोला जाता है। स्टोमेटा, दीज आर टीनी पोर्स, जैसे हम अपने नाक से सांस लेते हैं वैसे ही ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर टीनी पोर्स। These are tiny pores present on the lower surface of the leaf. ये सबसे lower surface of the leaves में पाए जाते हैं। अब मैं कुछ keywords बताऊंगी आपको। Ingredient, ingredient होता है plants को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए। Ingredient होता है कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए हल्दी, नमक, मसाला, ना तेल, गैस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो plants को क्या ingredients चाहिए उनको बोला जाएगा ingredients। Thank you put together to prepare a dish। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सोचो कि आपने एक डिश बनानी है, खाना बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, राइस, शुगर आर द इन्ग्रीडियंट टू प्रिपेयर खीर। ठीक है, आपने खीर बनानी है तो उसके लिए क्या लगेगा, मिल्क, राइस, शुगर एंड और भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो जिससे आपकी खीर बहुत स्वाद बन सकती है। पिगमेंट, पिगमेंट होता है अ सब्सटेंस दैट गिव्स कलर टू अ मटीरियल। पिगमेंट, कोई ऐसा मटीरियल, कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को उसका कलर देता है, यानी कि लीव्स को ग्रीन कलर जो देता है उसे बोलेंगे पिगमेंट। ओके, सो कौन से पांच चीज़ें ऐसी हैं जो क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को यूजफुल हैं या ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। सनलाइट क्यों चाहिए, धूप से वो खाना बनाएंगे, धूप एब्जॉर्ब करके और उससे खाना बनाएंगे। अब खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उनको चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। सो सनलाइट में क्या होगा, प्लांट नीड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, दे कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क। प्लांट्स कभी भी अंधेरे में खाना नहीं बना सकते हैं, उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। देन कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम सब जानते हैं प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन एंड जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट है उनको, प्लांट्स को वो चाहिए। वाटर, पानी, जैसे हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं वैसे प्लांट्स भी डाई हो जाएंगे, दे कांट सर्वाइव, दे कांट लिव। अगर रूट में पानी ना दिया जाए तो कुछ दिनों बाद प्लांट खुद ब खुद मुरझा जाता है, या बीज बड़ा ही नहीं होगा, उसमें सैपलिंग ही नहीं होगी। नाउ आया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने पहले भी बताया कि द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन द लीव इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरे कलर का पिगमेंट पत्तियों में दिखता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। प्लांट नीड अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स टू मेक फूड, और ये उनके खाना बनाने के लिए ज़रूरी है। प्लांट विदाउट क्लोरोफिल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स क्लोरोफिल के बिना अपना खाना नहीं बना सकते हैं। सो शैल वी रिवाइज द फाइव इन्ग्रीडियंट्स दैट नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग फूड फॉर प्लांट्स आर, और वी कैन कॉल दैट द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड द इन्ग्रीडियंट्स आर
sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. There are four ingredients, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Thank you. That's all for today.